नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। आप देख रहे हैं प्रेप आईएएस और आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स, मतलब कि वैसे टॉपिक जो जनरल नेचर के हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब के अंतर्गत नहीं आते। आईआर, फिर आपके जो इंडेक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इन सबको देखेंगे। वैसे क्वेश्चन जो आपको रैंडम लगते हैं यूपीएससी में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? बढ़िया, आवाज़ वगैरह आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। पहला हमारा टॉपिक है यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी का जो चेयरपर्सन जो है वो अगस्त महीने के लिए इंडिया को बनाया गया था। हर महीने यूएनएससी का जो चेयरपर्सन है वो बदलता है, क्लियर बात है? 15 मेंबर होते हैं यूएनएससी में, 15 में से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। कौन कौन लोग? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके। ये 5 जो है ना वो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये क्या होता है? वीटो पावर का मतलब ये होता है कि इस यूएनएससी में कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसमें इन 5ों की सहमति होनी ही चाहिए। अगर इन 5 में से अगर कोई भी कंट्री उससे सहमत नहीं है तो वो उसको वीटो कर सकता है। वो बोल देगा कि नहीं, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्लियर बात है? ये जो वीटो पावर है ना वो बाकी 10 मेंबर जो हैं उनको नहीं दिया गया है। जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनको वीटो पावर नहीं दिया गया है। ध्यान सुनना, ये जो बाकी 10 मेंबर जो जुड़ेंगे उनको डिवाइड किया गया है रीजन वाइज। 10 में से 2 आएगा अफ्रीका से, 3 आएगा एशिया से, 2 आएगा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड से, 2 आएगा वेस्टर्न यूरोप से और 1 आएगा ईस्टर्न यूरोप से। मतलब कि यूरोप से कुल मिलाकर के 6 आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना? तुम सोचो, फ्रांस तो पहले से यूरोप का पार्ट है, यूके भी यूरोप का पार्ट है, तो 2 सीट तो उसने पहले से घेर रखा है यूरोप ने, क्लियर बात है? रशिया आधा यूरोप, आधा एशिया, यूरेशिया। तो फ्रांस और यूके पहले से ही यूरोप के मेंबर हैं। 3 और लोग आएंगे नॉन परमानेंट जो मेंबर बनेंगे यूएनएससी के, तो टोटल 5, ठीक है ना, ये बन सकते हैं। तो 1/3 तो तुम्हारा यूरोप ही ले गया सीट। क्यों ऐसा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसके बाद जो विनर थे वर्ल्ड वॉर 2 के, उन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं। तो ध्यान सुनना, यहाँ पर यूएनएससी का चेयरपर्सन कौन? अगस्त के लिए इंडिया बना, ये मेन बात हमारे यहाँ है। यूनाइट अवेयर नाम का एक जो ऐप है वो लॉन्च किया गया, किन के लिए? पीस कीपिंग जो फोर्सेज हैं उनके लिए, उनका सिचुएशन कैसा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, किस ट्रेन में काम कर रहे हैं, इन सब के लिए उन्होंने इसको बनाया ऐप को। यूएनएससी यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, मेनली 6 होता है, 6 में से 1 यूएनएससी है। बाकी कौन कौन लोग हैं सर? एक तो आपका हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सबसे मेन। दूसरा हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा होता है ट्रस्टशिप काउंसिल। पांचवा होता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा होता है सेक्रेटरिएट, समझे? तो ये आपके जो 6 हैं वो प्राइमरी ऑर्गन हैं यूएन के, क्लियर बात है? तो ये ध्यान रखिएगा, सीधा सवाल पूछेगा यूपीएससी आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। 6 में से कर लेंगे, यूएनजीए, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, ध्यान सुना, ICC ये मेंबर नहीं है यूएन का, क्लियर है? भारत चाहता है कि भारत को एक परमानेंट सीट मिले यूएनएससी में, इसीलिए हम लोगों ने जर्मनी, जापान और ब्राज़ील के साथ कैंपेनिंग करना शुरू किया है कि हमको, हम लोग डिजर्विंग हैं, हमको यूएनएससी में सीट चाहिए। मगर मांगने से कहाँ मिला है आज तक किसी को पावर? आप भी एग्ज़ाम पास करके ही पावर अर्जित करेंगे? तो यहाँ पर सवाल कैसे पूछेगा, ये देखो, सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ G4, क्लियर बात? क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ G4। आपको वहां पर ऑप्शन दे देगा 4-5 और चुनने के लिए बोलेगा। कौन कौन लोग हैं? इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील। ये 4 कंट्री जो है ना
वो G4 मेंबर के सदस्य हैं। एक कॉफी क्लब होता है जो कहता है कि नहीं, यूएनएससी को एक्सपैंड नहीं करना है, मतलब इंडिया वगैरह को सीट मत दो, पाकिस्तान उस ग्रुप में है। ठीक है, सुन मेरी बात। चलो एक मिनट, ठीक है, अभी काफी कम लोग, नोटिफिकेशन नहीं गया क्या जी? चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक सवाल करना जरा, इंडिया को इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनएससी का, इंडिया के साथ साथ और किन्हें किन्हें इलेक्ट किया गया है ये बताइएगा। आयरलैंड, मैक्सिको, कनाडा, नॉर्वे। आसान सा सवाल है, ठीक है। हाँ बताओ, जो यूएनएससी के जो बाकी लोग जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, जो आपका आयरलैंड है, मैक्सिको है और जो नॉर्वे है, इन तीनों कंट्री को इंडिया के साथ साथ यूएनएससी का मेंबर बनाया गया है। क्लियर बात? क्या आंसर हो गया जी? B1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला हमारा सवाल है। अब करते क्या है, हम लोग पहले देख लेते हैं अपने इंडेक्स और रिपोर्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान सुनना, रिपोर्ट और इंडेक्स तो ढेर सारे हैं। रिपोर्ट और इंडेक्स जो हैं वो ढेर सारे हैं, बस बात यह है कि आपको याद कौन कौन सा रखना है ये समझो। देखो, जहां जहां मैं गोला मारूं उसको उसको कॉपी में नोट करते जाना, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के जो रिपोर्ट हैं उनमें से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक का तीन रिपोर्ट याद रखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्लियर बात है? अब IMF का एक रिपोर्ट आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ही आरबीआई का एक रिपोर्ट आता है। किसका आता है? आरबीआई का एक रिपोर्ट आता है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, एक तो हो गया आपका IMF का फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक हो गया आपका आरबीआई का, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है IMF का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करना क्या, बोलते जाएं, सुनते जाओ, नोट करना हो तो नोट कर लो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में कि हमको इंडेक्स याद नहीं हो रहा है सर, या एकदम कैसे करेंगे ये सब चीज़ें, एकदम टेंशन मुक्त रहना है, अभी अभी टेंशन में नहीं आना है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नीचे वाला जो आपका रिपोर्ट है वो सब नहीं इंपॉर्टेंट है उतना, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये याद रखिएगा। क्या है? ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट, ये सवाल पूछता रहता है यूपीएससी। क्लियर है? चलो इसके बाद इसमें कोई भी रिपोर्ट काम का नहीं है हमारे। नीचे आ जाओ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। दो चीजें, ग्लोबल कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, WEF के दो रिपोर्ट काम के हैं। आगे आ जाओ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। FATF अभी न्यूज़ में था, जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया था, ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है अभी, तो उसी कारण से ये न्यूज़ में था। ध्यान सुनिएगा, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट ये FATF निकालता है। FATF का दो काम है, पहला टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, क्या करना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, और मनी लॉन्ड्रिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। क्लियर बात है? तो ये दो काम FATF करता है। अगर आपके ऑप्शन में दिया रहता, मतलब सवाल में अगर आपको दिया रहता ऑप्शन और वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग रहता और बाकी तीन ऑप्शन आपके इकोनॉमी के होते, फॉर एग्जांपल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये सब चीजें रहती,
तो आप इलिमिनेट नहीं कर लेंगे। संस्था के बारे में देखिएगा, आईएमएफ का मेन काम क्या होता है? आईएमएफ का मेन काम ये होता है कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके कंट्री की, वो मेंटेन रहे, वो मौजूद रहे, ठीक है ना, वो कायम रहे, ठीक है। दूसरा, यूएन के कुछ मेंबर हैं, कुछ बॉडीज हैं, उसके बारे में देखिएगा। जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये यूनेस्को का है। क्या है? जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये यूनेस्को का है, ठीक बात। हाँ चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। और क्या है नीचे में, ये सब रिपोर्ट हमारे काम का नहीं है, ये सब याद नहीं रखना। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये याद रखो, एक कौन पब्लिश करता है इसको? यूएनसीटीएडी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और यूएन का ये जो बॉडी है वो भी कह रहा है कि ट्रेड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है सब चीज़ें, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इसमें और भी कोई रिपोर्ट हमारे काम का नहीं है अभी, ठीक है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, आईएलओ, ग्लोबल वेज रिपोर्ट ये आईएलओ का है, ठीक है। यूएनडीपी का, यूएनडीपी की रिपोर्ट मैंने बताया था ना, वर्ल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक। चलो देखो, और इसका है आपका वर्ल्ड बैंक का है। यहाँ पे एक आपका इंडेक्स आता है, एक आपका इंडेक्स आता है, ये था ना एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो आपका एचडीआर है उसमें आपका एक इंडेक्स आता है, ठीक है। एक तो सामान आया है 500 600 मांग रहा, दे दें तो सत्यम कहे देव कहीं बोला, 600 दे दें, हाँ दे देंगे जो, और भी कुछ आए हैं। ठीक ठीक है, हो गया बात। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई काम का नहीं है। यहाँ पे एक है इमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये दो रिपोर्ट याद रखिएगा, चूंकि दोनों रिपोर्ट, एक मिनट रुकना, चलो आगे देखो इसको। देखो यहाँ पे दो आपका रिपोर्ट किसका है, इमिशन का और इन्वायरमेंट का, दोनों संबंधित हैं आपके इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से, यूएनईपी इसको निकालता है। आगे ये सब रिपोर्ट हमारे काम का नहीं है। एक है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट ये WIPO निकालता है, वर्ल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है ना। देखो दोनों का नाम भी सेम है, रिपोर्ट भी सेम है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यही है जो WIPO रिपोर्ट निकालता है। तो कितना हो गया अभी तक के? 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने रिपोर्ट अभी तक हमने ध्यान से देखा है, इतने सारे में, ठीक है ना। बाकी आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि ये सब जो रिपोर्ट है ना वो नहीं करना है आपको, बस एक याद रखिएगा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये कौन निकालता है? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। होता क्या है ना कि अगर आपको सवाल दिया गया है एग्जाम में और आपको आंसर नहीं आ रहा, तो आप उस बॉडी का नाम देख करके, चाहे रिपोर्ट का नाम देख करके, आप उसको तुक्का लगा सकते हैं, वहां पर आप गेस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बात हो रही है एनर्जी की, एनर्जी आउटलुक का, और वहां पर दे रखा है यूनेस्को, ऑप्शन में यूनेस्को दे रखा है, आईएमएफ दे रखा है, वर्ल्ड बैंक दे रखा है, और आईईए दे रखा है, तो अब कौन सा लगाएंगे आंसर, ठीक है ना। जो यूनेस्को है ये तो आपका सोशल और जो एजुकेशन है उसका है, तो काट देंगे आप।
IMF क्या करता है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता है, तो ये काट देंगे आप। वर्ल्ड बैंक का अलग काम है डेवलपमेंट वगैरह का, तो बच गया कौन सा, एनर्जी एजेंसी। तो आप इस तरह से गेस लगा सकते हैं। अगर आपको याद नहीं भी है ना, तो बस एक बार सुन लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आवाज़ वहाँ पर चमकेगी दिमाग में कि हाँ सर ने, सर के मुँह से मैंने ये बातें सुनी थी, ठीक है ना, वहाँ पर आएगा चीज़ें। IUCN का रेड लिस्ट सबको पता है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, बढ़िया। हाँ चलो आगे देखो, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। दो रिपोर्ट यहां पर हैं, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। चूंकि दोनों करप्शन से संबंधित है, तो रिपोर्ट कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्लियर है। फिर आता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। क्यों निकाला सर इसको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारे काम का इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो हंगर है वो भी बढ़ा है, इसी कारण से IFPRI इसको निकालता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो रिपोर्ट हैं सब हमारे काम का भी नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। आगे आ जाओ, ठीक है, ये सभी हम रिपोर्ट हमारे काम का नहीं है। नहीं, ये सब काम का नहीं है, आगे आ जाओ। हाँ, इंडिया के जो कुछ रिपोर्ट हैं वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर RBI का जो मैंने रिपोर्ट कहा था ना, क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक IMF का था और एक RBI का है। अभी मैंने बताया था ना, देखो ऊपर में, ऊपर आ जाओ, देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है वो RBI का है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो IMF का है। अब RBI ग्लोबल तो देखेगा नहीं, RBI को इंडिया से मतलब है। अगर ग्लोबल वाला रहा तो IMF मारेंगे, अगर कुछ नहीं रहा तो मतलब इंडिया का है, RBI मारेंगे। क्लियर बात, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखते हैं, यहां पर बातें सर, एग्जाम में 5 दिन बाकी है, ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं है और अभी तैयारी करनी है, ऐसा लगता है। अरे सबको होता है टेंशन, कोई समस्या की बात नहीं, क्या सामान आया है, अरे छोटे भाई ने घड़ी मंगाई थी एक, वही आया होगा, ठीक है, बढ़िया, आगे आ जाओ। हाँ, रेसिडेंस इंडेक्स, रेसिडेंशियल एरिया का जो इंडेक्स है वो ये बताता है कि कितना हमारे यहाँ रेसिडेंस के मामले में इन्फ्लेशन चल रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक वो ये निकालता है। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER, ये सब रिपोर्ट को आप बहुत यूज़ करेंगे मेन्स एग्जामिनेशन में, अपने आंसर में क्रेडिबिलिटी लाने के लिए आप इन सब रिपोर्ट को यूज़ करेंगे। अगर आपने पहले से करंट अफेयर पढ़ा होगा, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो आपको सब चीज़ें याद रही होंगी। अभी तक नहीं किया तो अभी याद कीजिए। प्रथम ASER निकालता है, प्रथम एक NGO है, क्या है, प्रथम एक NGO है। इंडिया का जो रेड डाटा बुक है वो कौन निकालता है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। रेड डाटा बुक इंडिया वाला है, और रेड लिस्ट ऑफ किसका, थ्रेटेंड स्पीसीज का, ये कौन निकालता है, IUCN। दोनों में अंतर समझना, IUCN का रेड लिस्ट है और रेड बुक किसका है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। क्लियर बात, ठीक, चलो आगे देखें। तो ये आपका हो गया इंडेक्स और रिपोर्ट, इतना ही करना है, इतना ही पढ़ना है, इससे फालतू कहीं भी कोई भी कंपाइलेशन दिया हो, कोचिंग वाले करते क्या है ना कि आपको 112-12 पन्ने का मतलब 112-12 लिस्ट दे देते हैं कि लो याद करो। एक्चुअली करना क्या होता है ना कि उनको क्लेम करना होता है कि देखो मेरे ही मटेरियल से सवाल आया था। अब सवाल क्लेम करना तो सबका सब इंडेक्स दे दो, समझ रहे बात, तो कोई ना कोई तो भिड़ ही जाएगा। उसी तरह से आप जो स्कीम पढ़ रहे होंगे अभी, स्कीम का जो बुकलेट वगैरह आता है कोचिंग वगैरह का, तो उसमें वो करीब करीब सारे स्कीम को लिस्ट कर देते हैं, मिनिस्ट्री वाइज स्कीम लिस्ट करते हैं वो। अब पूरा PDF हो जाता है 200-200 पन्ने का, अब सवाल आना है 2-3,
होता क्या है कि दो तीन क्वेश्चन के लिए 200 पन्ने का पीडीएफ रटना मूर्खता है। तो आपको केवल वही वाला स्कीम याद रखना है जो पिछले एक साल में आया हो या पिछले 3 महीने में न्यूज़ में रहा हो, ठीक है? पिछला 3 महीने का स्कीम कम से कम याद करना है, ठीक है? चलिए, इतना हो गया बात, आगे चलते हैं। ये हो गया अपना इंडेक्स और रिपोर्ट, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो पांचवा शेड्यूल है उसके बारे में मुझे बात करनी है। पांचवें शेड्यूल उन एरिया के लिए होता है जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं। अब ट्राइबल के वो इलाके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके बाकी जो ट्राइबल इलाके हैं उनको 5th शेड्यूल के जरिए गवर्न किया जाता है। बाकी जो बच गया, ये जो 4 बच गया ना, AMTM, इसको 6ठे शेड्यूल के जरिए गवर्न किया जाता है। अंतर क्या है सर? 5वें शेड्यूल से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है 6ठे शेड्यूल को, ठीक है ना? ऑटोनॉमस काउंसिल बनाया जाता है वहां पर। उन काउंसिल को लॉ बनाने का अधिकार, रूल बनाने का अधिकार है, लोकल मार्केट को रेगुलेट करने का अधिकार है। ये जो 5वें शेड्यूल का जो एरिया है ना, वो मेनली सेंट्रल इंडिया के जो इलाके हैं उनको गवर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल इलाके हैं, महाराष्ट्र के जो ट्राइबल एरिया हैं, MP का जो ट्राइबल एरिया है, झारखंड का जो ट्राइबल एरिया है, उन सबको गवर्न करने के लिए हम लोग 5th शेड्यूल का यूज़ करते हैं। और बाकी जो 4 बच गए, नॉर्थ ईस्ट वाला, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 6ठे शेड्यूल के अंतर्गत, ठीक है? अभी अरुणाचल कह रहा था, अरुणाचल कह रहा था कि हमको 6ठे शेड्यूल में आना है। तो देखते हैं, जो 5वां शेड्यूल है उसके अंतर्गत शेड्यूल एरिया कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। ध्यान सुनिएगा, 5वें शेड्यूल के अंतर्गत जो शेड्यूल एरिया है वो कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। और जब किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया शेड्यूल एरिया, तो उस राज्य के द्वारा एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है? हाँ, चलो, अगला टॉपिक हमारा है इंडिया टू होस्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। अच्छा, अभी तुम में से किसी को सवाल है तो पूछो, अभी कोई भी तरह का डाउट, डर लग रहा है सबको लगता है, मगर ड्यू मत पीना, फर्जी चीज़ है वो सब, मार्केटिंग करते हैं सब, डर के आगे जीत है, फलान ढेकान, ये सब वो सब। जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, चाय ज़्यादा हो रही है, चाय ज़्यादा पियोगे तो फिर नींद में कमी हो जाएगी, कम करो थोड़ा स्कीम मटेरियल। अच्छा, पूछो पूछो, कुछ सवाल हो तो पूछो। इन्वायरमेंट रिवाइज कर रहा था, तो इन्वायरमेंट रिवाइज करने के लिए तुमने पहले रिवाइज नहीं किया था, तो जल्दी से कुछ खत्म करो। हिस्ट्री शुड बी द लास्ट सब्जेक्ट विच यू विल बी रिवाइजिंग। एग्जाम के पहले आप केवल हिस्ट्री ही रिवाइज करेंगे, उसके दिन पहले आप पॉलिटी रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है? सर, रिवर सारी करके जाएं? नहीं, रिवर में जो इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा? मोटा मोटा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब रिवर। एकदम घुसा हुआ रिवर नहीं पूछेगा, एकदम छोटा रिवर के बारे में सवाल नहीं आएगा आपसे, ठीक है ना? जो मेजर रिवर है उसके बारे में ही सवाल पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो पूछ सकता है आपसे कि जो इंडस रिवर सिस्टम है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, उस सतमा क्या सतमा नदी हैं, ठीक है ना? चलो, और अगला क्या है? अगला आपका है फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो सिस्टम है उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? चलो, तो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा होगा। और इस तरह के फोरम को होस्ट करने का मतलब ये है कि उस कंट्री का जो रुतबा है इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, वो बढ़ा है। भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है सब्सक्रिप्शन के मामले में, मतलब ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन के मामले में, मतलब ब्रॉडबैंड कहाँ कहाँ, जनसंख्या ही इतना है, क्या करें, ठीक है ना? चाइना है, US है, इन सब कंट्री में पेनिट्रेशन इंटरनेट का बहुत ज़्यादा है, क्लियर है? जिस कंट्री में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू है वो ज़्यादा खुलता है, मतलब कि जैसे कि ई कॉमर्स,
तुम सोचो अगर इंटरनेट नहीं होता तो जो वेबसाइट हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नायका मिंत्रा ये सब चीज़ें होती क्या, अगर ये साइट नहीं होती तो पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स का मतलब पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी, इन सब में जो जॉब इतना पैदा होता है क्या वो पैदा होता? क्या आपको इतना आसानी से सामान मिल पाता? आपको सामान लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता, आप गाड़ी से जाते बाइक से जाते, तो CO2 का इमिशन होता, तो CO2 का इमिशन होता ना बाबू। तो होता क्या है कि इंटरनेट के आने से कुछ फ़ायदे भी हुए हैं कुछ नुकसान भी हुआ है। हाँ, कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली को बनाने के लिए कोयला जलाना पड़ता है, वो सब बातें हैं ठीक है, मगर काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिली हैं हमें ठीक है। अब जो IGF है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है, वो UN बेस्ड फोरम है। किसके लिए? इंटरनेट को गवर्न करने के लिए पॉलिसी क्या बनाई जाए, क्लियर है? उसके लिए ये जो फोरम है वो बनाया गया है। एक सवाल करना, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है अफर्मेटिव एक्शन का? जरा सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ जरा। तो सर क्या करूं प्लीज बताइए, इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में सूरज? हाँ, एग्जाम में भी 5 डे है। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना यार, बस रिवाइज करते रहो, सबको होता है, सबको होता है, ये टेंशन सबको होती है। टेंशन हो रहा है मतलब तुम सीरियस हो, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो सीरियस नहीं होता उसको टेंशन नहीं होता, वो चिल होता है। सर इकोनॉमी में सर्वे, ये क्या होता है? ठीक है ना, चलो तो अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है आपका अफर्मेटिव एक्शन के बारे में। 3 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए क्या आंसर इसका सही है। पहला है बैंक्स ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू सीनियर सिटीजन, नो इंटरेस्ट फी फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बोलना क्या आंसर है इसका? स्टेटिक एक बार देख लो जल्दी जल्दी। अच्छा कैसे आप करते हैं स्टेटिक, मुझे समझ में नहीं आता, आप जब रिवाइज करते हैं तो कैसे रिवाइज करते हैं? देखो ध्यान से, एक तरीका है रिवाइज करने का, जैसे कि ये आपका क्लास 8 की ज्योग्राफी है, जब मैं रिवाइज करने बैठूंगा तो ये 15 से 20 मिनट का काम है, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है इसको। आप किताब खोलेंगे, यहां पर आपने जो भी चीजें अंडरलाइन हाईलाइट कर रखी होंगी केवल वही पढ़िएगा। तो 3 लाइन 4 लाइन यहां पर है, 2 लाइन यहां पर है, फिर यहाँ पर कुछ लाइन अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, और उसमें भी आपने प्रायोरिटाइज कर रखा होगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड उसको हमने हाईलाइट कर रखा होगा। तो इस तरह से आपको जो रिवीजन है वो करना है ठीक है ना। फटाफट बढ़ते जाइए इसको। सॉइल का फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर काम करता है, पेरेंट रॉक रिलीफ फ्लोरा फाउना क्लाइमेट टाइम, ये सब फैक्टर काम करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। सॉइल किस तरह का बनेगा, क्या कलर होगा, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट होंगे, सब डिपेंड करता है इसी पर, सॉइल कितना तेज बन रहा है, ये सब बातें भी ठीक है। उसी तरह से तो इसको 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में इसको पलट डालिए ठीक है ना, इतना आपका हो जाएगा। वह ये तो क्लास 8 की है, 7 की है, 6 की है। हाँ क्लास 9 वाले में समय लगेगा आपको, क्लास 10 में और समय लगेगा, 11 12 में और समय लगेगा। तो ध्यान से जितना आप कंफर्टेबल हैं उस रफ्तार से। हाँ टेंशन नहीं लेना है कि जल्दी जल्दी करना है, नहीं, जिस रफ्तार से हो रहा है उस रफ्तार से करिए ठीक है। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको सैचुरेशन फील होगा। क्या फील होगा, ध्यान सुनना भी ये बात, सैचुरेशन फील होगा। ये क्या होता है सर? आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दिमाग भर चुका है, अब और पढ़ा नहीं जा रहा, और पढ़ा नहीं जा रहा, मैं जो भी बातें पढ़ता हूँ वो समझ में नहीं आती, मैं पूरा का पूरा लाइन पढ़ गया मगर क्या लिखा है मुझे ये समझ में नहीं आया। ये समस्या जब होती है तो इसको हम कहते हैं कि दिमाग सैचुरेट कर गया है, उसमें और कुछ नहीं घुस रहा बाहर से। तो करिए क्या, किताब बंद कर दीजिए, किताब बंद कर दीजिए, कुछ देर आप बाहर घूम करके आइए, जो मन करे कीजिए, बस मोबाइल मत चलाना, अलतू फालतू आदमी से बात नहीं करना जो तुमको डिमोटिवेट कर, बाहर जाओ घूम के आओ, पहले साइकिल ले लो जाओ घूम के उड़ा के आओ उधर से ठीक है। ये तुम जब करोगे ना
तो तुम्हारा जो दिमाग है वो पढ़ाई की तरफ से हटेगा और थोड़ा सा तुम्हें अच्छा फील होगा। एक्सरसाइज करो, तुम्हें जो करना है करो। सबसे आसान होता है प्लैंकिंग। प्लैंकिंग देखने में आसान लगता है, हालत ख़राब हो जाती है करने में, ठीक है ना। तो प्लैंकिंग करना क्या है, लेट जाओ इसके बल आराम से पड़े रहो वहाँ पे, ठीक है। तो प्लैंकिंग कीजिए, फिर आपका कोबरा पोजीशन है, भुजंगासन, वो कर सकते हैं आप, दौड़ाइए कहीं से, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, डोपामिन रिलीज होगा और आपको बढ़िया फील होगा। केमिकल होता है एक, रिलीज होता है माइंड में, ठीक है। चलिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग खाली है। तो ये अभी लगता है कि पहले से लग रहा है, मतलब काफ़ी पहले से ही, ठीक है। हाँ, और भूख ज़्यादा लगती है जब एंग्जाइटी ज़्यादा होती है तो खाओ। अरे सर, मेरे एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई है। टेंशन नहीं लेना है, अब बोल तो दिया टेंशन नहीं लेना है, मगर कैसे नहीं लिया टेंशन सर। सबसे बढ़िया उपाय ये है कि जो भी स्पीड में पढ़ पा रहे हैं पढ़िए, जितना पढ़ पा रहे हैं पढ़िए। अभी 5 दिन आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने जो पहले पढ़ रखा है वहीं से सवाल आएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तुमने जो नहीं पढ़ा उससे सवाल नहीं आएगा। मैंने बात पहले भी बोली है, तुमने जो नहीं पढ़ा वहाँ से सवाल नहीं आएगा। तुमने जो पढ़ रखा है वो तुम्हें कितना याद है। अच्छा, अभी तुमको भले ही याद ना आ रहा हो, मगर एग्जाम हॉल में जब तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग चमकेगा। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी का जो चैप्टर है पॉलिटी का, अभी तुमको लगेगा कि यार सब भूल गए हैं, कौन सा आर्टिकल था, 20-21 क्या था, कौन लॉन्च करता है, कौन प्रोमोलगेट करता है, ऑर्डिनेंस वगैरह सब बातें। मगर जब तुम सवाल देखोगे ना वहाँ पर, तो तुम्हारा दिमाग केवल उस क्वेश्चन पर फोकस करेगा। इस कारण से होता क्या है, हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो नॉलेज भरा हुआ है वो नॉलेज निकल करके सतह पर आता है दिमाग के, और फिर आपको आपका जवाब, क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सर, पेपर में चॉकलेट अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है, आप चॉकलेट खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में तो हाँ अलाउड था, लोग खाते रहते थे बैठ के, ठीक है। देख के हमको भूख लग जाता था। पता नहीं लोग चॉकलेट क्यों खाते हैं, होता होगा कोई कारण। मुझे चॉकलेट खाए जमाना हो गया, पिछली बार मैंने खाया था बहुत पहले, कोई बच्चा खा रहा था तो छीन के खाया था मैंने, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन एक पॉजिटिव एक्शन होता है जहां पर गवर्नमेंट वेलफेयर के काम करती है। जैसे कि सीनियर सिटीजन अगर पैसा जमा करते हैं बैंक में तो उनको ब्याज दर ज्यादा दिया जाता है। आपको अगर 3% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज मिलेगा उनके सेविंग अकाउंट पर, तो ये आपका अफर्मेटिव एक्शन है। दूसरा, गवर्नमेंट एग्जाम का जब फॉर्म भरते हैं तो महिलाओं को फी नहीं देना पड़ता या फिर फी उनको कम देना पड़ता है, ये भी एक अफर्मेटिव एक्शन है। यहाँ पर महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, उनको इनकरेज करते हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको फी नहीं देना पड़ेगा, आपको बस पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा है रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में महिलाओं को अच्छा खासा रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हैं। तो तीनों के तीनों क्या हैं, अफर्मेटिव एक्शन हैं, तीनों के तीनों जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल है ई रूपी के बारे में, डार्क चॉकलेट से थोड़ा फायदा होता है, दिमाग चलने लगता है, ऐसा क्या? सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, कभी ज़्यादा मार्क्स आता है कभी कम आता है, टेंशन इंक्रीज हो रहा है, कहते हैं चॉकलेट खाने से ड्रोनेस नहीं होता, पता नहीं। देखो पहली बात, जिनका समस्या है मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो मेंस तो प्रीलिम्स में तुम्हारा मार्क्स कम आएगा, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान सुनना। मैं बता रहा हूँ अपना बात, मेरे जो विजन में मार्क्स थे वो आते थे 70 से 90 के बीच में। विजन में मैंने 100 क्रॉस नहीं किया कभी, विजन के टेस्ट में 100 मैंने क्रॉस नहीं किया, मगर इनसाइट के टेस्ट में मेरा नंबर होता था 120, 130, इस तरह के नंबर मेरा इनसाइट वाले में आता था, ठीक है। अंतर क्या होता है दोनों टेस्ट सीरीज में, इनसाइट वाले में
आप लॉजिक लगा करके, दिमाग लगा के, तुक्का मार के आप नंबर ला सकते हैं। विजन वाला करता क्या है ना कि ये फैक्ट चेंज कर देता है, सवाल को ट्विस्ट कर देता है। आपके पास प्योर नॉलेज है तभी इसमें नंबर आएगा, अगर प्योर नॉलेज नहीं है तो नंबर नहीं आएगा। एलिमिनेशन वगैरह का चांस में थोड़ा सा कम होता है विजन वाले में। इतना होने के बावजूद आपने मेरे मार्क्स देखे हैं, ठीक है, तो भले ही टेस्ट में नंबर कम आए मगर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है वहां पर आप आराम से चीजों को इलिमिनेट कर सकते हैं, तो नंबर वहां पर आपका बढ़िया आएगा। आप 110 तो आराम से क्रॉस करेंगे अगर आप सीरियस बंदे हैं, थोड़ा सा सीरियस से पढ़ा है तो तुमने 110 तुम क्रॉस कर जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर? तो टेंशन नहीं लेना है कि मेरे मार्क्स मॉक में कम आ रहे हैं तो ऐसे कैसे होगा, प्रीलिम्स हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम में बस दिमाग ठंडा रखना और बाकी चीज़ें वहाँ पर आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, मैम पर ध्यान मत देना, सभी लोगों के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। पेपर जब पूरा हो जाए तो देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चल शुरू करते हैं आगे। सवाल कह रहा, टॉपिक कह रहा है ई रूपी पर। अभी तक क्या होता था, अभी तक होता है जो पैसा है, जो पैसा है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं उसको। अब समस्या क्या है कि इसमें धांधली बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। जैसे कि मान लो कि मैं कोई बेनिफिशियरी हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आना है, तो सरकारी बाबू मेरे पास आएगा और बोलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं 10,000 रुपया, 5,000 आपको देंगे और 5,000 हम रखेंगे। जो बेनिफिशियरी है उसको तो खोजे खबर नहीं है कि उसको बेनिफिट मिलना भी है, वो तो खुश हो गया कि यार बैठे बिठाए 5,000 हमको मिल रहा है, 10 ना मिले 5 मिल रहा तो है, और बाबू को 5,000 घुस मिल गया इसका। तो सारे काम यहाँ पर इस तरह से होते हैं। अब किया क्या गया है, ई रूपी को लाया गया है। ई रूपी करेगा क्या, ये पैसा नहीं है, ये वाउचर है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो बेनिफिट हैं, जैसे कि वहाँ पे धांधली होती है, मनरेगा में भी धांधली होती है, तो वहाँ पर आपको सीधे पैसा न दिया जाए, उसके बजाय आपको कूपन दे दिया जाएगा, ठीक है। उस कूपन का मतलब ये है कि आप उस कूपन को यूज़ करके कोई भी, जैसे कि जो सामान है वो खरीद सकते हैं। अगर वो कूपन है चावल के लिए तो आप राशन की दुकान पर जाएंगे, वो कूपन उसको देंगे, आपको 1 किलो चावल मिल जाएगा, ठीक है। उस कूपन से आप कुछ और नहीं खरीद सकते, अमेजोन पर जा करके आप कुछ और ऑर्डर नहीं कर सकते, जहाँ कूपन चलना है वहीं कूपन चलेगा, जो सामान मिलना है वही सामान मिलेगा, ठीक है। तो जो सरकारी बाबू पहले आपको बोलता था कि 10,000 में से 5,000 तुम्हारा 5,000 हमारा, क्या सरकारी बाबू अब बोलेगा कि 1 कूपन तुम्हारा 1 हमारा, क्योंकि मिलना तो उसको चावल ही है, ठीक है। हाँ, अगर वो इतना गिरा हुआ है कि चावल का कूपन बेचने लग जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कि किस तरह से ये काम देगा। अच्छा, सवाल इस पर आता है, आधार पर सवाल पहले यूपीएससी पूछ चुका है, अभी ई रूपी पर सवाल आ सकता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या है, ये वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, पर्सन स्पेसिफिक, किसको मिलना है ये फिक्स है, किस पर्पस के लिए मिलना है ये फिक्स है। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये केवल कूपन है। कौन डेवलप किया है इसको, NPCI, NPCI ने ही UPI को भी बनाया था। UPI पता है, आप जब पेमेंट करते हैं भीम ऐप से, गूगल पे से, फोन पे वगैरह से, वो सब UPI। इसका फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको तुरंत तुरंत पेमेंट मिल जाएगा, आपसे कोड लेगा, स्कैन करेगा, अपना फीड करेगा, उसके बाद पैसा आ गया। दूसरी बात ये, कोई भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, जैसे कि DBT करने के लिए वहाँ पर ठेपा लगाना पड़ता है आधार वाले में। अब मान लो कि कोई मजदूर है तो उसका अंगूठा तो घिस चुका होगा काम करते करते, उसका आप फिंगरप्रिंट ही काम नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, समझ रहे बात। तो यहाँ पर डिजिटल और जो बैंक का प्रेजेंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। लीक प्रूफ है ऐसा कहा जा रहा है, मगर इंसान जुगाड़ू होता है, देखिए क्या निकल के आता है, कैसे काम होता है इसमें। कॉरपोरेट जो है ना वो इस तरह के वाउचर यूज़ करते हैं, जैसे कि एक सोडेक्सो फूड कूपन आता है। फूड कूपन मतलब कि तुम कूपन जाकर तुम दोगे ना
जोमेटो को, तो तुमको जोमेटो खाना देगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। वाउचर रिडेम्पशन को आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन ट्रैक कि कौन इसको भुनाया है, कहाँ इसको भुनाया गया है इस कूपन को, ठीक है। चलो अगला सवाल आपका है एग्रो फॉरेस्ट्री पर, बताओ क्या आंसर है इसका। सवाल ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर देना, ठीक है। सुधांशु तुम्हारे लिए यही सवाल है एग्रो फॉरेस्ट्री का, एग्रीकल्चर टॉपिक। अच्छा देखो, यूपीएससी हर बार हर प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ नया लाएगा। लास्ट ईयर उन्होंने एग्रीकल्चर के सवाल ढेर सारे दे दिए थे, उसके पहले वाले प्रीलिम्स ने उन लोगों ने टेक्स्ट बुक से किताब ही नहीं, मतलब सवाल ही नहीं दिया उतना ज़्यादा, रैंडम क्वेश्चन पूछ दिए। करंट अफेयर का जो वेटेज है प्रीलिम्स में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बहुत ही कम हो गया है अभी। आपको देख के लगेगा कि ये सवाल करंट अफेयर का है, मगर वो सारे सवाल स्टैटिक टॉपिक के होते हैं, ठीक है। विजन में आंसर डी ज़्यादा होता है, इसी वजह से मेरे कभी कभी मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। अरे वो सब मत देखो, ठीक है। चलो हम लोग करते क्या हैं, फॉरेस्ट्री के टाइप को समझते हैं। मेनली तीन टाइप का आपका फॉरेस्ट्री होता है। पहला होता है अर्बन फॉरेस्ट्री, जो अर्बन इलाके में होता है। दूसरा होता है ग्रामीण फॉरेस्ट्री, जो रूरल इलाके में ग्रामीण इलाके में होता है। तीसरा होता है फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि आपके शहर में, चाहे शहर के बाहर, जो पब्लिक प्लेस हैं, प्राइवेट प्लेस हैं, वहाँ पर पेड़ पौधा लगाया जाता है। जैसे कि रोड के किनारे आपको वृक्षारोपण, एफोरेस्टेशन कर दिया जाए, वो अर्बन फॉरेस्ट्री में आएगा। या शहर में आपका कोई बड़ा प्लॉट है, आपने घर बनाया और घर के सामने जो खाली जमीन है वहाँ पर आपने कई सारे पेड़ लगा दिए, तो वो अर्बन फॉरेस्ट्री में आएगा। जो रूरल फॉरेस्ट्री है ना, उसमें दो बातें आती हैं, एक है एग्रो फॉरेस्ट्री, दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। इसमें होता क्या है, कम्युनिटी के लिए पौधे को लगाया जाता है खाली ज़मीन पर, वहाँ पर कम्युनिटी का जो एरिया है वहाँ पर, जैसे कि कोई पार्क हो गया वहाँ पर हमने पौधे लगा दिए, तो किसी का है नहीं, सबका है, कलेक्टिवली सबका है। तीसरा होता है फार्म फॉरेस्ट्री, वहाँ पर किसान अपने खेत में पेड़ों को लगाता है। क्या करता है, कोई किसान खेत में अपने पेड़ों को लगाता है, पेड़ जब बड़े होते हैं तो उनको काट करके बेचता है और मुनाफा कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एग्रोफॉरेस्ट्री, इसका मतलब ये है कि जो ट्री है और एग्रीकल्चर क्रॉप है उसको हम एक ही ज़मीन पर लगाएंगे, जो ज़मीन बेकार है उस पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और आपको वहाँ पर पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं। तो ये करता क्या है कि ये एक कुशन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका आम के बाग हैं आपके पास। अब मान लो कि आपने खेत में जो फसल लगाया था वो सही नहीं हुआ, खराब हो गया, कीट लग गया, तो आम का जो पेड़ है उससे जो फसल आएगा, जो आम आएगा, उसको बेच करके आप अपना इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हमारा है पेमेंट बैंक के बारे में। सेबी ने कहा है कि पेमेंट बैंक अब इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम कर सकते हैं। क्या है, सेबी ने बोला है, सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। क्या है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। अगर आईपीओ वगैरह लेके आना हो तो सेबी से ही परमिशन लेना होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि पेमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम कर सकता है। ये होता क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकर का मतलब ये होता है कि वो कॉरपोरेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए कैपिटल इकट्ठा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई कंपनी है, LIC कंपनी है, तो LIC इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाएगा। मान लो कि मोर्गन स्टैनली है, चाहे गोल्डमैन सैक्स है, इनके पास गया। LIC ने बोला कि हमको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कि LIC का जो शेयर है वो हमको शेयर मार्केट में लिस्ट करना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होंगे ना, गोल्डमैन सैक्स या फिर मोर्गन स्टैनली, वो LIC का IPO फाइल करेंगे सेबी के पास। सेबी उसको परमिशन देगा कि ठीक है, आप IPO अपना लॉन्च कीजिए। IPO को लॉन्च किया जाता है प्राइमरी मार्केट में,
किसमें? प्राइमरी मार्केट में इस आईपीओ को पहली बार लॉन्च किया जाता है। आईपीओ लॉन्च हो गया, आपको शेयर शेयर एलोकेट हो गया, अब इस शेयर की ट्रेडिंग होगी। इस शेयर की ट्रेडिंग होगी कहां पर? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में, ठीक बात। तो यहां पर ये बातें हो गई। पेमेंट बैंक को बनाने का जो रिकमेंडेशन है वो नचिकेत मोर कमेटी ने दिया था। ये छोटे बैंक होते हैं जो क्रेडिट रिस्क नहीं लेते, मतलब कि वो लोन नहीं दे सकते आपको, वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है। आपने कार्ड यूज़ करके आपने आज पैसे खर्च कर लिए, अब वो पेमेंट तो अगले महीने ही करेंगे ना आप, तो क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से लोन ही है। इसी कारण से क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता, लोन नहीं दे सकता पेमेंट बैंक। क्या कर सकता है सर? गवर्नमेंट बॉन्ड में जा करके वो इन्वेस्ट कर सकता है, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, मगर एक यूज़र से केवल 1 लाख तक ही लेगा, 1 लाख से ऊपर का अमाउंट उससे नहीं ले सकता, ठीक है। क्या करेगा? रिमिटेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप रह रहे हो यूपी में, आपको पैसे भेजना है केरला, तो आप वो रिमिटेंस का, जैसे कि अगर आप कनाडा में भी रह रहे हो तो वहाँ से पैसे इसको भेज सकते हो, ठीक है। चलो, अगला सवाल है इन्वीस्टैट इंडिया रिपोर्ट के बारे में, बताना क्या आंसर इसका सही है, पढ़ करके ध्यान से इसको बताओ आंसर। ठीक है, क्या आंसर है इसका? हर्ष ने बोला ए, दिव्या का आंसर है ए। ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट है ना, वो एनवायरमेंटल इशू पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रिलीज किया जाता है, ये इसको एनुअली रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? इन्वेस्टेड इंडिया रिपोर्ट। ध्यान से बताइएगा आंसर, अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला है। यस, एक आंसर सही मिला है, ठीक है, सोच के। यहां पर एक बात धोखा देने वाली यह है कि यह रिपोर्ट एनवायरमेंट के बारे में है, मगर इसको रिलीज कौन करता है? एनएसओ। इसको रिलीज करता है एनएसओ, इसीलिए आपको यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, ताकि एग्ज़ाम में अगर सवाल पूछे तो आप लॉजिक लगा करके इसका आंसर मार के आएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये बातें याद रहनी चाहिए, इसीलिए इसको कवर कर दिया, ठीक है। जनरल सवाल में आपको लॉजिक ही लगाना है, जहाँ लॉजिक नहीं काम करेगा वो करवा देंगे, आपको चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। 4 नेशनल पार्टी, टोटल 7 नेशनल पार्टी हैं, उनमें से 4 बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, इन चारों ने मिलकर के करीब करीब 62-63% जो पैसा है वो कमाया इलेक्टोरल बॉन्ड से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी है इलेक्टोरल बॉन्ड लेने का। हर पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं ले सकती, वही पार्ट ले सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो आरपीए के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, आरपीए एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। दूसरा, उसने पिछले पोल में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो, मतलब कि अगर कोई पार्टी शेल के रूप में बनाया गया है, मतलब कि कोई पार्टी बनाया गया है जिसका काम केवल चंदा लेना है, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एलिजिबल नहीं है वो। आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, आपको वोट हासिल करने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो कि मुझे डोनेशन देना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो मैं SBI के ब्रांच में जाऊंगा, वहां पर मैं 5,000 रुपया दे करके इलेक्टोरल बॉन्ड लूंगा और उसको जा करके जमा कर दूंगा, ठीक है।
जिस पार्टी के लिए मैं जाके जमा करूंगा उस पार्टी के पास वो बॉन्ड पहुंच जाएगा और उस पार्टी को 15 दिन के भीतर उसको कैश करना पड़ेगा। क्लियर बात है? ठीक है, चलो। जानता हूं बहुत ही बोरिंग टॉपिक है ये सब चीज़ें, मगर अगर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो बैठे रहिए, चीज़ें सुनते जाइए, काम आएगा। ठीक है, चलो। ये किसके बारे में हो गई? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में। कई सारे, जैसे कि जिस तरह से हमारा रुपी करेंसी होता है, रुपये को कई सारे नोट में आता है ना, 50 का नोट होता है, 100 का नोट होता है, फिर आपका 2000 का नोट होता है, वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो 1000 के नोट में आता है, 10000 के नोट में आता है, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में भी आता है। मतलब कि एक बॉन्ड पर 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये बातें किसके बारे में? इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के बारे में। एक सवाल करना प्रेशर ग्रुप पर, आसान सवाल है, बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, ये सब आपको GST में पढ़ना है, मगर आपको डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है, एग्जांपल पूछ सकता है। प्रेशर ग्रुप करता क्या है ना, कि बिना चुनाव वगैरह लड़े, बिना पॉलिटिक्स में आए, वो बाहर से प्रेशर क्रिएट करता है गवर्नमेंट पर और अपने फेवर में पॉलिसी बनवाता है। ठीक है, अचिंत्य ने कहा ए वाला। ए वाले में देखो, इसका इंटरेस्ट तो कॉमन है, ठीक है, मगर इसका पर्पस पॉलिटिकल पावर अचीव करना नहीं होता। अगर पॉलिटिकल पावर अचीव करना पर्पस हो जाएगा तो प्रेशर ग्रुप नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा। ठीक है, ग्रुप बेस्ड ओनली ऑन कास्ट एंड रिलीजन, नहीं। कई सारे प्रेशर ग्रुप ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिक्स पर हैं, जैसे कि पहले जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय लैंड होल्डर का, मतलब कि जो जमींदार हैं, उन लोगों ने एक संस्था बनाया था। उनका काम यह था कि जो जमींदारी एबोलिशन लॉ है उसको रोकना। ठीक है, तो क्या था, वो एक प्रेशर ग्रुप था, वो चाहता क्या था कि जमींदारी बनी रहे। तो इकोनॉमी के बेसिस पर, कास्ट, रिलीजन, सब के बेसिस पर आपका बन सकता है। तो यहां पर ओनली के कारण ये लाइन गलत हो गई। ठीक है, होता क्या है कि एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी मुद्दे के लिए बनाया जा सकता है, मगर वो पॉलिटिकल पावर की ओर ध्यान नहीं देगा, वो गवर्नमेंट पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, अपने पक्ष में पॉलिसीज बनवाएगा। तो क्या आंसर है जी? डी। ठीक है, चलो। अगला हमारा सवाल है आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। यहाँ पर देखो, अगर आपको सवाल दे दिया गया, आपको एलिमिनेट करना है, तो कैसे करेंगे? कह रहा है इट हैज़ रिसेंटली बिन अलाउड टू बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा कि आधार किसको मिलता है, तो आप इसका आंसर निकाल ले जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, आधार हमारी कंट्री में रेसिडेंट को दिया जाता है, मतलब कि जो भी लोग भारत में रह रहे होंगे उनको आधार दिया जाएगा। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। सिटीजनशिप का प्रूफ तब होता जब ये आधार केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाता, तभी ना बोलते कि देखो मेरे पास आधार है, हम नागरिक हैं। समझ गए बात? तो यहां पर आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो तीसरा गलत हो गया। आपने क्या किया? बी काट दिया और डी काट दिया, वन बचा है और वन एंड टू बचा है। इट इज़ अ वेरिफिकेशन प्रोसेस, बहुत सही है, आधार बेस्ड है, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। अब ध्यान सुनना, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है?
आधार जब कार्ड बनाने जाते हैं आप, तो आपका फिंगरप्रिंट ले लेता है, आयरिस का स्कैन ले लेता है। तो दोनों जो है ना, आपका फिंगरप्रिंट और आयरिस का स्कैन, दोनों के दोनों बायोमेट्रिक डाटा हैं। क्या है? दोनों का दोनों जो है वो बायोमेट्रिक डाटा है। दूसरा है डेमोग्राफिक डाटा। ये क्या होता है? आपका एड्रेस क्या है, उम्र क्या है, कम्युनिटी क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब आपका डेमोग्राफिक डाटा है। मतलब कि एज अ पर्सन आपके क्या क्या आइडेंटिटी हैं, उसको कहते हैं हम लोग डेमोग्राफिक डाटा। उसको मेरे बॉडी से मतलब नहीं है, मेरा आँख कैसा है, फिंगरप्रिंट कैसा है, उससे उसको मतलब नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप कैसा है, सब फर्क नहीं पड़ता उसमें। डेमोग्राफिक में बस एज अ पर्सन आपका क्या फीचर है, जैसे कि आपकी एज कितनी है, ये सब चीज़ें, नाम क्या है, ये सब आपका डेमोग्राफिक वाले में आएगा। ठीक है? हाँ, तो 1 एंड 2 दोनों यहाँ पर सही है। आधार एक्ट को अमेंड किया गया था और कहा गया था कि केवल पब्लिक एजेंसी ही यूज़ कर पाएंगे उसको। तो 1 एंड 2 दोनों सही है। क्या आंसर है जी? सी। ठीक है, चलो। एक टॉपिक हमारा ये है PIDF फंड, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें करते क्या है कि टायर 1 और टायर 2 सिटी, मतलब जो छोटे शहर हैं, टायर 6 सिटी तक जो शहर हैं, वहाँ पर हम लोग पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। जैसे कि आप किसी भी दुकान में जाएं तो आपको बारकोड मिल जाएगा स्कैन करने के लिए। दूध लिया, बारकोड स्कैन किया, उसका पेमेंट हो गया। उसी तरह से आप मोमो खाने जाते हैं, वहाँ पर भी आप पे कर सकते हैं स्कैन करके। तो ये जो पेमेंट एक्सेप्टेंस का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना है। काफ़ी कुछ कर दिया है प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट को और आगे करना है। जैसे कि जो लोग गलियों में घूम घूम कर सामान बेचते हैं, उनके पास भी होना चाहिए एक बार कोड। साइकिल पे चिपका लो, लगा लो, होल्डिंग लगा लो उसको। ठीक है, बढ़िया। जियो यूजेज आधार डाटा, वो ऑथेंटिकेशन करता है। ऑथेंटिकेशन करता है, वो केवल वेरीफाई करता है कि आप जो कह रहे हैं आप वही हैं ना, ये बातें। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है फ्लोटिंग रेट फंड। ये क्या होता है? फ्लोटिंग रेट फंड उस तरह का फंड होता है जो उन एसेट में पैसा लगाए जो वेरिंग इंटरेस्ट रेट पे करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बैंक में पैसा डाला, मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 3%। मैंने उसको FD करा दिया, कितना ब्याज मिलेगा? 4%। बाद में अगर बैंक FD का रेट बढ़ाता भी है तो क्या मुझे मिलेगा पैसा एक्स्ट्रा? नहीं, नहीं मिलेगा। ये जो फ्लोटिंग रेट एसेट होते हैं ना, वो उस तरह का एसेट होता है जहाँ पर ब्याज का दर बढ़ा तो आपका रिटर्न बढ़ गया, अगर ब्याज का दर घटेगा तो आपका रिटर्न भी घटेगा। तो मतलब इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है उस पर डिपेंड करता है फ्लोटिंग रेट फंड, मतलब उसका रिटर्न उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सर दिल्ली में मोमो अच्छे मिलते हैं। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई हमारे आज की इसके बारे में। जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया है, अब ध्यान सुनो, थोड़ा सा पर्सनल बात कर लेते हैं अपना। जिनको जिनको टेंशन फील हो रहा है, सबसे पहली बात, अपना ध्यान टेंशन से हटाइए। आपको कैसा लग रहा है, क्या मन कर रहा है करने का, ये सोचो। कई कई बार हमको लगता है कि नहीं, इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ो, उठाओ किताब को, धीरे धीरे पलटो। ठीक है ना, देखो कि तुम्हें कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने का। नहीं मन करे तो बस पलटते जाओ, तुम्हें दिमाग में चमकता जाएगा कि हाँ क्या क्या लिखा हुआ है इस किताब में। मुश्किल समय है, केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है ऐसा। जैसे कि हमारे समाज में एक हवा बना दिया गया है कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ऐसा करके। अबे सब बच्चे हैं, कोई स्पेशल नहीं होता, सब सबको सबको यही समस्या होती है। इंसान जो होता है, इंसान जेनेटिकली करीब करीब सेम ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। तो चूंकि अधिकांश जीन सेम है तो उनमें प्रॉपर्टीज भी सेम ही होता है, समझ के बाद। ठीक है, जिस दिन प्रिलिम्स होगा वहां पर टॉयलेट आपको भरा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, तो घर से करके जाना, पानी ले लेना,
पानी ले लेना। वैसे प्रीलिम्स के एक या दो दिन पहले मैं आपके साथ बैठूंगा, लाइव रहूंगा और बातें करेंगे हम लोग, बस पढ़ाई नहीं करेंगे उस दिन, कोई पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। टॉपिक जो आपको मन करे पढ़ो, मगर रिवाइज करना हो तो पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया रिवाइज करो पहले। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले टॉपिक हैं, यहाँ से सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। सर मॉडर्न इंडिया में क्या, जो मॉडर्न इंडिया है वहाँ से क्या सवाल पूछेगा? मॉडर्न इंडिया में ध्यान सुनना, स्वदेशी आंदोलन से लेकर के भारत की आज़ादी तक का जो टॉपिक है तुम सबसे पहले रिवाइज करोगे। स्वदेशी हो गया, फिर आपका रॉलेट सत्याग्रह हो गया, फिर उसके बाद ये नॉन कॉपरेशन, उसके बाद ये सब स्वराजिस्ट वगैरह का जो इशू था वो सब हो गया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया, 1928 का नेहरू रिपोर्ट हो गया, उसके बाद जाओगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, फिर इसका नेवल रेटिंग का म्यूटनी हो गया, कैबिनेट मिशन, ये सब बातें जो मोटे मोटे टॉपिक है ना वो रिवाइज़ कीजिएगा। एक बात और, तीन टॉपिक आपको रिवाइज़ करना है कन्फर्म, 1909 का कानून, 1919 और 1935 का कानून। इन तीन कानून से हर साल सवाल आता है एक या दो, कन्फर्म है सवाल आएगा, ये पेपर लीक है, ठीक है, कम लोग पता होता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। कहाँ से पढ़ेंगे सर? स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है तीनों टॉपिक, 1909 का मॉर्लेमिंटो, 1919 का मोंटेग्यो चेम्सफोर्ड और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। स्पेक्ट्रम में भी है और लक्ष्मीकांत में भी है, पहले चैप्टर में ही लक्ष्मीकांत में है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, और बच गया बात पॉलिटी में, तो पॉलिटी में क्या रिवाइज करेंगे आप? पॉलिटी में आप रिवाइज करेंगे फंडामेंटल राइट सबसे पहली बात, पार्लियामेंट का चैप्टर दूसरी बात, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट, दूसरी बात पार्लियामेंट का चैप्टर, ये दोनों रिवाइज करेंगे, और उसके बाद इमरजेंसी का टॉपिक रिवाइज करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन ये रिवाइज करेंगे। इसके बाद तुमको जो रिवाइज करना है करो, जो पढ़ना है पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुमको सब बातें हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और कोई सवाल पूछना हो और कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो, है कुछ? ठीक है, चलो तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।